नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टर्निंग पॉइंट। आई होप आप सब ठीक हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी यूज चैट जीपीटी टू डिजाइन अ क्वेश्चन पेपर। आप किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी विद नो टाइम। इसमें आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द सब्जेक्ट नेम और उसके जो सिलेबस है वो आपको प्रोवाइड करना होगा, एंड दैट्स इट। चलिए आइए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैट जीपीटी विंडो ओपन कर लेंगे और इसके टेक्स्ट बॉक्स में हम मैसेज पास करेंगे, ये वाला। प्लीज राइट ए क्वेश्चन पेपर ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ये सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं क्वेश्चन पेपर डिजाइन करवाना चाहती हूँ। अगर आप चाहो तो ये जर्नल भी दे सकते हो। अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक्स में से पेपर चाहते हो देन यू नीड टू स्पेसिफाई द टॉपिक्स, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। फ्रॉम द टॉपिक्स ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, फंक्शन ओवरलोडिंग, इनलाइन फंक्शन एंड सो ऑन। उसके बाद यहाँ से मैंने, अब देख सकते हैं, पेपर का फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है कि पेपर किस फॉर्मेट का होना चाहिए। द फॉर्मेट ऑफ द पेपर इज 4 questions of 2 marks each, 3 questions of 4 marks and 2 questions of 8 marks each। तो आप देख सकते हैं दिस इज अ क्वेरी विच वी हैव टू पास। अगर हम सब्जेक्टिव पेपर चाहते हैं तो अगर हम यहाँ सब्जेक्टिव लिख देंगे तो आपका पेपर सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। चलिए आइए अब हम इसको सेंड करते हैं। लेट्स सी द रिजल्ट्स। तो देखिए इसने पेपर हमें डिजाइन करके दे दिया है। आंसर एनी 4 questions each carrying 2 marks। तो देखो इसने 5 questions हमें दे दिए हैं, इनमें से स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट 4 questions। आप चाहो तो इनमें से 4 भी पिक कर सकते हो, जो भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी बना दिया है इसने, आंसर एनी 3 questions each carrying 4 marks। तो ये भी देखो 4 में से बच्चा 3 question अटेम्प्ट करेगा। एंड सिमिलरली देर आर 3 questions in which ही हैज टू अटेम्प्ट 2 questions of 8 marks each। तो देर आर 3 sections in total। तो नीचे इसने इंस्ट्रक्शंस भी हमें प्रोवाइड की है। राइट योर आंसर क्लियरली एंड नीटली, यूज अप्रोप्रिएट कोड एग्जाम्पल्स वे आर रिक्वायर्ड, मार्क्स विल बी अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द करेक्टनेस, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड कोड क्वालिटी। देखिए बहुत अच्छा पेपर डिजाइन करके दिया है और विद इन नो टाइम, कोई टाइम ही नहीं लगेगा। यू जस्ट नीड टू पास एन इंस्ट्रक्शन। सपोज नाउ आई वॉन्ट MCQ ऑन दीज टॉपिक्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेरी पास करेंगे। प्लीज राइट 20 MCQ ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑन द टॉपिक्स। हम टॉपिक स्पेसिफाई कर देंगे वही वाले जो हमने पहले भी यूज किए हैं, यहां से हम उनको कॉपी कर लेते हैं। विद आंसर्स और विद कीज, तो लेट्स सी व्हाट इट गिव्स द आंसर। देखिए इट इज जनरेटिंग क्वेश्चंस वेरी फास्टली। देखिए इसने बहुत अच्छे हमें 20 MCQs डिजाइन करके दे दी हैं उन्हीं टॉपिक्स में से जो मैंने आप इसको प्रोवाइड किए थे। तो आप देख सकते हैं देर आर 20 questions from 1 to 10। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए क्लास इन हूम, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। ये इसके 4 options हैं और उसके बाद आप देख सकते हो ये उसकी आंसर की भी इसने प्रोवाइड की है। सिमिलरली इफ यू मूव टू द नेक्स्ट वन यू कैन सी दैट दिस इज सेकेंड क्वेश्चन एंड देन उसके ऑप्शंस, देन थर्ड क्वेश्चन ऑप्शंस एंड आंसर एंड सो ऑन अप टू 20 questions। दैट इज सुपर्ब। जैसे कि ये प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है तो इसमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको मैं अब आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन प्रेजेंट करने के लिए कहूंगी। प्लीज राइट 10 MCQs ऑन द अबव टॉपिक MCQs with output based
फ्रॉम द टॉपिक्स. अब हम यहाँ पे टॉपिक स्पेसिफाई कर देंगे वही वाले. ये देखिए, नाउ इट इज जनरेटिंग कोड एज वेल. आप यहाँ से कोड कॉपी कीजिए और नीचे से उसके आंसर्स भी हैं. आप बच्चों को ये वाले क्वेश्चंस भी पुट कर सकते हैं. वाह सुपर. अब तो मैं इसको थैंक यू बोलना चाहूंगी. अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाती हूँ. थैंक्स. देखिए ये क्वेश्चंस देखिए पहले आप. इसने हमें 10 MCQs दे दिए हैं जो कि आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस के हैं. ये देखिए, सडनली हेयर आर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस गिवन द फॉलोइंग C++ कोड व्हाट विल बी द आउटपुट. तो ये हमें कोड दे दिया है और नीचे इसके आंसर्स दे दिए हैं और उसका जो फाइनल आंसर है वो भी बताया है. ये ऑप्शंस दी हुई है ABCD और जो आंसर है वो भी बताया हुआ है कि आंसर इज दिस सी. तो आप देख सकते हैं इसी तरह 20 क्वेश्चंस जो आउटपुट बेस्ड है वो उसने प्रोवाइड कर दिए हैं. तो ये टीचर्स का काम कितना आसान कर देगा. जहां टीचर्स को घंटों लगते हैं एक पेपर सेट करने में, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू सेट ए पेपर यूजिंग ChatGPT. तो देखा फ्रेंड्स, ChatGPT के थ्रू हमने कितने अच्छे और इजीली पेपर डिजाइन कर लिया अकॉर्डिंग टू आर नीड. तो जो भी आपका पेपर का फॉर्मेट हो, आप चाहे सब्जेक्टिव पेपर डिजाइन करें या ऑब्जेक्टिव डिजाइन करें, तो दोनों तरह की ऑप्शंस हैं ये विद आंसर्स. अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो विद आंसर्स आप क्वेश्चन प्रोवाइड करके दे देता है. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड फर्दर शेयर कीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच.